मालगी नगर चौक में शिवसेना की ओर से कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए मास्क बांटे गए। कोरोना वायरस की रोकथाम करने के लिए एवं जनजागृति करने के लिए मालगी नगर चौक में घोषणा दे रहे ये है दक्षिण शिवसेना के तमाम कार्यकर्ता। शिवसेना दक्षिण की ओर से मालगी नगर चौक में सड़क से चलने वाले राहगीरों को मास्क बांट रहे हैं। जिन्हें मास्क मिले वे बेहद खुश नजर आए। कोरोना वायरस की जनजागृति एवं रोकथाम करने के लिए दक्षिण नागपुर शिवसेना की ओर से यह उपक्रम चलाया गया। कोरोना वायरस को लेकर हर तरफ जनजागृति का काम किया जा रहा है। इसी श्रृंखला में राज्य सरकार यानी राज्य के जो मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी, उन्होंने भी जनजागृति का काम किया और आए दिन शहर के नागरिकों ने किस तरह से प्रिकॉशन लेना चाहिए इनके लिए एक कुछ कामकाज दिए गए। इसी श्रृंखला में कुछ ऐसे मालगी नगर के शिवसैनिक के जो लोगों को मास्क बांटते हुए नजर आए, आइए उनसे जानना चाहेंगे। सर, ये बताइए कि जिस प्रकार से आज ये जो मास्क जो आपने बांटे, क्या कारण इसके पीछे का? जिस तरीके से महाराष्ट्र के अंदर में कोरोना वायरस ने आतंक फैला रखा है और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री माननीय उद्धव जी ठाकरे साहब, इन्होंने जिस प्रकार से महाराष्ट्र की जनता को कोरोना से मुक्ति करने के लिए एक जो निर्णय लिया था कि जनता ने किस प्रकार से रहना चाहिए, जनता ने जहाँ गर्दी है वहाँ जाना नहीं चाहिए, जनता ने अपने घरों पर रहना चाहिए, जिस तरीके से आज हम लोगों ने एक सोच लिया कि नागपुर महानगर पालिका ने जो काम करना चाहिए था वो काम आज हमको करना पड़ रहा है। नागपुर महानगर पालिका के एक प्रभाग के अंदर में चार चार नगर सेवक है, वो भी पूरे भाजपा के। आज उन्होंने उनका काम था कि हर प्रभाग में हर वार्ड के अंदर में लोगों को मास्क बांटना चाहिए, सैनिटाइजर बांटना चाहिए, लेकिन आज नागपुर शहर में सैनिटाइजर डुप्लीकेट प्रमाण में आ रहा है और डुप्लीकेट प्रमाण में आने के बाद में सैनिटाइजर का यूज किस तरीके से किया जाए यह किसी को समझ में नहीं आ रहा करके आज दक्षिण विधानसभा शिवसेना की ओर से मालगी नगर चौक में हम लोगों ने जनता के हित के लिए कि जो जनता यहाँ से गुजर रही है उनके बाल बच्चे सुखी रहे, उनके घर में कोई प्रकार का कोरोना वायरस नहीं जाना चाहिए करके हमने यहाँ पे हर सिग्नल के पे हर गाड़ी वाले को मास्क बांटने का कार्यक्रम लिया हुआ है। बिल्कुल, जिस प्रकार से आपने मास्क बांटने का काम तो किया है, मगर जहाँ भीड़ भाड़ की बात आती है 144 की धारा लगी है, ऐसे में आपका ये जो काम है ये कहीं ना कहीं उल्लंघन होते हुए नजर नहीं आ रहा क्या? बिल्कुल, आपके बात से सहमत हूँ, लेकिन 144 धारा से ही ज्यादा जरूरी है जनता की हिफाजत करना। और जो जनता जो है एक सिग्नल के पे 100 200 500 की संख्या में रहती है, उस संख्या को देखते हुए अगर उनको हम 10 लोग रह के अगर उनको अगर जिंदगी बचा सकते हैं तो इसमें 144 धारा का हमको ऐसा नहीं लगता कि हम कोई उल्लंघन कर रहे हैं। बिल्कुल, तो बखूबी और बेबाकी से बात करते हुए आप थे दीपक चंद्र, जिन्होंने ये कहा है कि 10 लोग यदि खड़े होते हैं 144 का उल्लंघन भले हो लेकिन शहर के नागरिकों को मास्क देना जरूरी है, क्योंकि हजारों के तादाद में आज इन्होंने मास्क का जो वितरण किया अपने आप में एक है। यही कहना चाहूंगा कि कोरोना वायरस को लेकर जनजागृति का काम शुरू है और इसी प्रकार का कामकाज हर लोगों के काम में है। मैं तमाम उन कोरोना वायरस से जो सतर्कता बरतते हुए लोग उनके लिए यही कहना चाहूंगा कि हिमालय की है पुकार, बहादुरों बड़े चलो, बड़े चलो, बड़े चलो, आगे सबसे हो चलो। मालगी नगर चौक से कैमरा पर्सन सुभाष के साथ संजय मिरे, इनबीसीएन न्यूज नागपुर।